सीमा सक्सेना का एक कमेंट आया जिसमें बोला कि प्लीज डोरी कैसे बनाते हैं वो हमें बताएं, क्योंकि सिल्वर क्ले से डोरी बनाना या रोल बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं उसके वजह से ही बेहतर हो सकता है। जैसे ये मैंने सिल्वर क्ले से काम किया, कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना एक परफेक्ट जगह पे काम हो रहा है। आप देखिए कि सही तरह से काम देखेंगे तो बहुत अच्छे से हो रहा है। आप मेरी डोरी देखें तो एकदम सीधी है, उसमें कोई भी टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होगा उसमें। लेकिन ऐसा क्यों? इसमें कुछ ट्रिक है, मामूली सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अगर उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे तरह से आप भी रोल बना पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे आपके बहुत सारे सिल्वर क्ले यूज करने वाले भाई बहन दोस्त होंगे उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगा। तो चलो मैं आपको सिखाता हूं कि रोल कैसे बनाते हैं। इसके लिए बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर ये आपने यूज कर लिया तो आपका काम भी खूबसूरत बनेगा जरूर। तो अभी आप चलो शुरू करते हैं कि यहां पर देखिए, अगर आप रोल बनाएंगे ना, अब मैं अगर चलो डोरी मान लेते हैं, सक्सेना जी सीमा सक्सेना जी ने लिखा था डोरी बनाना, चलो मैं आपको वो सिखाता हूं कि डोरी बनाते वक्त अब शिवकर क्रे अगर आप सीधा ऐसे मैं मिक्स कर रहा हूँ उतरा मिक्स कर दीजिए, मिक्स करने के बाद आप उसे डोरी बनाना शुरू करें तो आपके हाथ में चिपकेगी, वो रोल नहीं बनेगा। आप किसी भी चीज़ पे बना लो, स्टील के ले लो, प्लाईवुड ले लो, जहाँ भी ले लो उसमें आपको हाथ में यहाँ पर चिपक जाती है, क्योंकि वो थोड़ा चिपकीलापन उसमें होता है। तो उसके लिए बहुत ईजी चीज़ है, टेलकम पाउडर यूज करिए। आप 10 रुपये वाला आप मार्केट में मिल जाता है वो ले लीजिए, वैसे भी हम फेस पे लगाते हैं, बहुत सारे यूज करते हैं, अब हम नहीं यूज करते लेकिन बहुत सारे यूज करते हैं, तो आप 10 रुपये वाला वो ले लीजिए और वो बहुत कम, जैसे मैं लगा रहा हूँ इतना बहुत छोटा सा मामूली सा, लगाने के बाद आप रोल बनाते जाइए। हाथ पे लगाएं तो भी अच्छा, लेकिन उससे बेस्ट है कि जिस चीज़ पे आप जैसे प्लाईवुड पे बना रहे हैं तो उस पे लगाइए, क्या होगा कि बहुत देर ज़्यादा तक चलेगा, आपका पाउडर का भी बचत हो जाएगा। तो आप उस तरह से रोल बनाने के बाद आप जल्दी यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन इस क्ले को आप याद रखिए, उतना ही मिलाइए, उतना ही मिक्स करिए जितना आपको ज़रूरत है। अगर उसको 15 से 20 मिनट निकल गए तो फिर ये क्ले काम नहीं करता, वेस्ट हो जाएगा। अगर बिगिनर हैं तो मुझे मालूम है कि बहुत फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं, बहुत तकलीफ़ें होती हैं शुरू करने में, मैं जानता हूँ, उस फेज से मैं निकल चुका हूँ तो मुझे मालूम है इस चीज़ का कि बहुत दिक्कतें आती है। तो आप धीरे धीरे छोटी छोटी मिलाकर यूज़ करके उसके बाद ही आप क्ले बनाना शुरू करें, उसके बाद आप ही डोरी बनाना शुरू करें, उसके बाद ही आप वर्क करें। ज़्यादा एक साथ मत मिलाइएगा, इसे रखो और ये देखो ये बहुत गंदा वाला है, यहाँ पर देखो बहुत आसानी से, देखो देखो अभी अभी और आपको पतला करके दिखाता हूँ मैं, बहुत आसानी से बनता है रोल। ये कॉमन ट्रिक है ये, इसमें देखो यहाँ पर देखो, अभी देखो यहाँ देखो अच्छे से बन गया, यहाँ पर देखो बहुत बारीकी से देख लीजिए ना, समझ रहे हैं? तो प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक बार फिर से बहुत से अच्छे नए नए ट्रिक के साथ, वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर, लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ओरिजिनल मडार जो 400 साल पहले जो शुरू हुआ था बन्नी के कच्छ के विलेजेस में, वो आपको ऐसा और कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।